बोल देते हैं वंदे वंदे। ये वंदे मातरम इसलिए किया क्योंकि जो इस सृष्टि पर आया है ना वो भारत भूमि से ही मोक्ष गया है। तो इसी माटी को प्रणाम कर लेती हूँ, सभी ईश्वरों को प्रणाम हो जाएगा। मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आज ये पर्व फाउंडेशन ये नाम आप पढ़ रहे हैं। नाम कितना अच्छा रखा है इन लोगों ने, पर्व उत्सव। किसी के जीवन का उत्सव बना देना ही जिनका उद्देश्य हो वो पर्व फाउंडेशन है। और जब मैं ममता सुराना जी से इस बारे में बात कर रही थी मुझे बहुत सारी इस पर्व फाउंडेशन के बारे में बातें पता पड़ी। वो बातों का जिक्र हम बीच बीच में करते जाएंगे, लेकिन आज प्रार्थना करेंगी इस पर्व फाउंडेशन की सभी भद्र महिलाएं, सभी भव्य महिलाएं। तो मैं मंच से आवाज देती हूँ पूरे के पूरे पर्व फाउंडेशन को, अपनी जोरदार आवाज के साथ में जल्दी से मंच पर आ जाइए। इतनी शक्ति हमें देना दादा, हमें प्रार्थना करनी है ईश्वर से हमारी शक्तियों के लिए, हमारी भक्ति के लिए। सबको सादर जय जिनेन। इतनी शक्ति हमें देना महिलाएं मंच पर आती है ना तो तालियां ज्यादा बजानी चाहिए। उससे एक बहुत बड़ा कारण है, सुबह 5 बजे उठ के बच्चे का टिफिन बनाने के बाद, मंदिर जाके आने के बाद, पति को भोजन कराने के बाद, उसका टिफिन देने के बाद, सब काम करने के बाद खुद को कुछ खाने को मिलता है। और वो खाने के बाद घर की साफ सफाई सारा काम करने के बाद वो महिला अगर यहाँ पर आकर इतना गा रही है तो आपकी तालियों की गूंज बहुत अधिक होनी चाहिए। एक विधि करें दीपा